नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्रिप के एक नए एपिसोड में। आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं वो हुआ तो राजस्थान में था, पर इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस केस की वजह से मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा था और ये केस इंटरनेशनल मीडिया में एक लंबे अरसे तक छाया रहा था। हम बात कर रहे हैं भारत के आखिरी सती केस की, रूप कवर केस की। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है देवराला। यहां सुमेर सिंह नाम के व्यक्ति रहते थे। वे पेशे से एक स्कूल टीचर थे। ये कहानी सुमेर सिंह के बेटे माल सिंह और माल सिंह की पत्नी रूप कंवर के बारे में है। वो दिन था 17 जनवरी 1987 का। सुमेर सिंह के बेटे माल सिंह की शादी रूप कंवर से होती है। रूप कंवर के पिता बाल सिंह राठौड़ जयपुर में ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। रूप कंवर ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो बचपन से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रूप कंवर पढ़ाई में तो ज्यादा तेज नहीं थी, पर उसे पूजा पाठ और मंदिर जाना बहुत पसंद था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूप कंवर बचपन से ही सती माता के मंदिर जाती थी। वहां जाके वो घंटों बिताया करती थी, पर इस खबर पर पक्की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। जनवरी में हुई शादी 8 महीने तक बिल्कुल ठीक ठाक चलती है। कुछ रस्मों और रिवाजों के चलते रूप कंवर ससुराल और मायके के बीच आना जाना जारी रखती है। ऐसा कहा जाता है कि 8 महीनों की शादी में रूप कंवर ने अपने पति माल सिंह के साथ सिर्फ 20 दिन बिताए थे। ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आगे जाके इस कहानी ने जो मोड़ लिया है उससे ये समझ पाना मुश्किल है कि कैसे कोई सिर्फ 20 दिन की शादी में रहकर इतना बड़ा फैसला कर सकता है। 3 सितंबर 1987 को माल सिंह को पेट में जोरदार दर्द की शिकायत होती है। उसे जल्दी से सीकर अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ दूसरे दिन उसकी मौत हो जाती है। ये खबर देवराला गाँव पहुँचती है और रूप कंवर को भी ये पता चलता है। पति के मरने की खबर सुनकर रूप कंवर अपने सुध-बुध खोने लगती है। वो बहुत रोती है। अब माल सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई और यहाँ तक सब कुछ सामान्य ही था, पर अचानक धीरे धीरे गांव में ये खबर फैलती है कि माल सिंह की पत्नी रूप कंवर सती होने जा रही है। गांव में ये खबर फैलती है कि ये फैसला उसने खुद लिया है। इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है कि रूप कंवर ने सती होने का फैसला खुद लिया था या उसे जोर जबरदस्ती से ये करवाया गया था। इस बात पर कुछ लोग कहते हैं कि रूप कंवर खुद अपने ससुर सुमेर सिंह के पास गई थी और उसने खुद कहा था कि वो सती होना चाहती है। पर गांव में फैली हुई कहानी एक ये भी है कि जब रूप कंवर को पता चला कि उसे सती के लिए मजबूर किया जा रहा है तो वो घर से भाग गई। अभी वो भागते हुए कुछ दूर ही गई थी कि उसे उसके ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसे वापस घर ले आए जहां उसे सती करने के लिए मजबूर किया गया। सच क्या है ये आज तक अस्पष्ट है। अंतिम यात्रा पर निकलने से पहले रूप दुल्हन की तरह तैयार की जाती है। उसके हाथ में पूजा का कुछ सामान और नारियल होता है। उसके बाद उसके पति की अंतिम यात्रा में वो शामिल होती है जिसमें माल सिंह की बॉडी आगे आगे और रूप कंवर पीछे पीछे चलती है। गांव में रूप कंवर के सती की खबर फैलने के बाद हड़कंप मच चुका था। माल सिंह के अंतिम संस्कार पर हजारों लोगों की भीड़ लग चुकी थी। चश्मदीद बताते हैं कि रूप कंवर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा कर चिता तक लाई गई थी। आगे क्या हुआ उसकी भी अलग अलग कहानियां सुनाई जाती है। ये कहा जाता है कि रूप कंवर ने माल सिंह के मृत शरीर की परिक्रमा लगाई और फिर वो भी चिता पर चढ़ गई। उसके बाद उसने माल सिंह के सर को अपनी गोद में रखा और अपना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठाया और फिर चिता पर खुद ब खुद आग लग गई। पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से चिता को आग सुमेर सिंह के छोटे बेटे पुष्पेंद्र सिंह ने लगाई थी। ये सब होते हुए पूरा गांव देख रहा था, पर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आग लगने के बाद वहां गायत्री मंत्र का जाप भी हुआ। ये भी कहा जाता है कि रूप कंवर जलती चिता से एक बार नीचे गिर गई थी, वो रेंग कर दोबारा चिता पर चढ़ गई। सच क्या है ये कोई नहीं जानता,
जिस दिन ये घटना हुई यानी कि 4 सितंबर, उसी दिन पुलिस तक ये केस पहुंच गया था, पर जब तक पुलिस कुछ करती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूपकंवर के पिता बाल सिंह राठौर तक की खबर दूसरे दिन अखबार से पहुंची। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी 18 साल की बेटी सती हो गई है। शुरू में रूपकंवर के माता पिता ने इसमें किसी साजिश का शक जताया था, पर जल्द ही वो लोग शांत हो गए और उन्होंने भी इसका महिमामंडन करना शुरू कर दिया। जहां ये सब हुआ था वहां पर रूपकंवर के नाम पर एक चबूतरा बनाया गया और रूप को सती माता का दर्जा दिया गया। इस मामले में सती के महिमामंडन की इंतहा ये थी कि राज्य सरकार के मंत्री भी इसका दबे लफ्जों में समर्थन करते पाए गए। सरकार भी इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी क्योंकि ये मामला राजपूत समाज से जुड़ा था और इसका विरोध करना सरकार की वोट बैंक पॉलिटिक्स पर भारी पड़ता। अभी इस घटना को हुए कुछ ही दिन बीते थे कि गांव में ये तय हुआ कि रूपकंवर की 13वीं के दिन चुनरी महोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। सती की कुप्रथा का ऐसा भयानक महिमामंडन देखकर बहुत सी महिला संगठनों ने उस समय के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी से संपर्क किया और प्रेशर बनाना शुरू किया। संगठनों का कहना था कि ऐसी कुप्रथा का महिमामंडन ना किया जाए, वरना ऐसा करने के लिए समाज में दूसरी लड़कियां भी प्रेरित हो सकती हैं। जब सरकार ने कोई खास कार्रवाई नहीं की तो मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और फिर हाईकोर्ट के ऑर्डर पर चुनरी महोत्सव पर रोक लगाई गई। रोक के बावजूद तय समय से 2 घंटे पहले 16 सितंबर 1987 को पुलिस से आंख बचाकर ये महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में 2 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बावजूद कुछ एक्शन समय पर नहीं लिया गया। इसके बाद उस वक्त के केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम जयपुर पहुंचे और उन्होंने इस घटना पर प्रशासन और राज्य सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की थी। मामला बढ़ता देखकर आखिरकार सुमेर सिंह, उनके बेटे और परिवार के 8 अन्य सदस्यों को अरेस्ट किया गया। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी पहुंचने लगा और भारत में महिलाओं की स्थिति पर विदेशी मीडिया में भी चर्चे होने लगे। ऐसी राजनीतिक खींचतान के बीच आखिरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को अपना पद छोड़ना पड़ा। इस घटना के बाद सामने आया कि देवराला गांव में रूपकंवर की सती पहली घटना नहीं थी, बल्कि वहां 3 और औरतों को सती के हवाले किया गया था। इन औरतों के चबूतरे भी रूपकंवर के चबूतरे के पास ही बने थे। आखिरकार राज्य सरकार ने सती पर एक राजस्थान सती रोकथाम अधिनियम 1987 निकाला। इस केस में किसी को भी लंबी सजा तो नहीं हुई। जो अरेस्ट हुए थे वो काफी साल तक लड़ते रहे, उनमें से कुछ लोगों की मौत हो गई और बाकी लोग बरी हो गए। पर आज भी देवराला गांव में इस कानून की अवहेलना हो रही है। कानून के मुताबिक सती का महिमामंडन करना गैर कानूनी है, पर आज भी देवराला गांव में रूपकंवर की पूजा होती है। आज भी आपको रूपकंवर सती पर बने बहुत से गाने YouTube पर ही सुनने को मिल जाएंगे। 33 साल बाद भी जिस घटना की निंदा करने की बजाय उसे बलिदान के रूप में देखा जा रहा हो, उस घटना के बारे में आप बस अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1987 में इसको कैसे देखा गया होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हालांकि ये केस भारत का आखिरी सती का मामला है, पर इस केस के बाद भी इससे प्रभावित होकर 24 और लड़कियों ने सती होने की कोशिश की थी, पर हर बार पुलिस ने आखिरी समय पर पहुंचकर उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि रूपकंवर के सती होने के बाद 24 और लड़कियों ने सती होने की कोशिश की थी। दोस्तों, मनोविज्ञान की नज़र से अगर इसे देखें तो यहाँ वर्दर इफेक्ट का होना नज़र आता है। वर्दर इफेक्ट तब होता है जब किसी एक सुसाइड केस पर मीडिया की तरफ से बहुत गहरी और लगातार चर्चा की जाती है। लगातार ऐसी खबरें देखने की वजह से इंसानी दिमाग का झुकाव भी खुद को नुकसान पहुँचाने की तरफ होने लगता है। यूं समझ लीजिए कि ऐसी हरकत हमारे दिमाग को नॉर्मल लगने लगती है और फिर जो लोग जीवन में परेशान चल रहे होते हैं वो इस हरकत को सामान्य मानकर इसे दोहराने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ऐसे मामलों पर मीडिया रिपोर्टिंग पर सख्त नियम लागू किए जाते हैं। वर्दर इफेक्ट को आकार लेते एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी देखा गया था। उनकी मौत के बाद एक के बाद एक बहुत से लोगों ने खुद को खत्म करने का प्रयास किया था और कुछ इस प्रयास में कामयाब भी हुए थे। दोस्तों, आज चाहे हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, चाहे हमारे समाज की सोच में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है,
पर आज भी समाज के कई तबकों को इंतजार है अपनी बारी का। सती की कुप्रथा खत्म हो चुकी है, पर आज भी हमारे देश में हजारों महिलाएं जलाई जाती हैं। पहले सती के नाम पर जलाई जाती थी, आज दहेज के नाम पर जलाई जाती हैं। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार हर घंटे एक महिला दहेज के लिए आग के हवाले की जाती है। ये आंकड़ा साल भर में 7,000 तक पहुंच जाता है। जिन महिलाओं ने प्रथा और रिवाजों के नाम पर अपनी कीमती जान गंवाई है, उन्हें द ग्रिप की तरफ से नमन।